ड्रीम इलेवन कैसे खेले। ड्रीम इलेवन खेलने का सिंपल मतलब है कि टीम बनाओ पैसा कमाओ। टीम बनाते हैं आज की मैच की, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल। दोस्तों आज है आईपीएल का 11वां मैच और आज की वीडियो में आपको कोशिश करूंगा कि हम ग्रैंड लीग की परफेक्ट टीम बना पाए और पूरे 2 करोड़ जेब में अपनी में डाल पाए। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा मकसद केवल और केवल एक होता है कि हम जीतें तो डायरेक्ट करोड़ों में जीतें और हारें तो 49 रुपए हारें। वैसे तो 90-95% केसों में ऐसा होता है कि अगर आप हमारी टीम के साथ खेलते हो, ग्रैंड लीग की टीम के साथ 49 रुपए वाला कॉन्टेस्ट ड्रीम इलेवन पर, तो आपका पैसा कभी नहीं जाता। अभी तक 10 मैच हो चुके हैं, 10 मैच में अभी तक आपका 49 रुपीज तो कभी नहीं गया। एक मैच में आपका पैसा डबल भी हुआ है जो आपको 100 रुपीज के आसपास मिला होगा अगर आपने हमारी टीम के साथ खेला है हर मैच के अंदर। तो चलिए आज के मैच के बारे में थोड़ी सी वार्तालाप करते हैं। तो देखिए दोस्तों आज का जो मैच हो रहा है वो हो रहा है बरसापरा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी इंडिया में हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूं गुवाहाटी इंडिया में हो रहा है। ये आईपीएल का 11वां मैच है जो आपको 3:30 बजे देखने को मिल जाएगा 8 मार्च 2023 को, ठीक। मैं थोड़ा सा उस साइड चला गया तो मैं वापस जाना चाहूंगा, ये स्टेडियम आपको दिख गया, ठीक है। आगे बढ़े तो हम सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात करेंगे कि यार पिच कौन सी है। तो दोस्तों पिच की बात करें तो यार पिच बैटिंग फ्रेंडली है, यानी कि कल के मैच में आपको एक अच्छा खासा स्कोर देखने को मिल जाएगा और थोड़ी सी स्पिनर्स को यह पिच सूट भी करती है। एवरेज स्कोर की बात करें तो 174 का एवरेज स्कोर है और फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर लास्ट 5 इनिंग्स के आधार पर देखें तो 187, यानी कल के मैच में आपको 180 प्लस स्कोर देखने को मिल जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको 200 प्लस स्कोर भी देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़े तो इस वेन्यू पर आपको लास्ट 5 मैचों के बारे में बताना चाहूंगा। पंजाब किंग्स ने 197 बनाए 20 ओवर में, 192 बनाए राजस्थान ने। इंडिया ने 50 ओवर में 373, श्रीलंका ने 306 बना लिए। 20 में 237 बने, 20 में 221 भी बनी। 50 में 322 बने, 326 भी बने। तो दोस्तों यहां पर देखिए और 326 42 ओवर्स में बने हैं, यानी कि मैच में मतलब टोटल और टोटल कल का मैच अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको बैटिंग साइड ही नजर आएगा। मेरा विश्वास मानिए अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको कल 200 प्लस ही स्कोर देखने को मिलेगा, 200 हो 220 भी देखने को मिल सकता है। तो एक हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है, 100% हाई स्कोर मैच कल का होने वाला है। चलिए दोनों टीमों के लास्ट कुछ मैचेस देखते हैं कि हार कर आई है, जीत कर। लास्ट मैच राजस्थान तो हार कर आई है और दिल्ली कैपिटल जीत कर आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़े तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती है, डेली मिलती है, कभी ऐसा नहीं हुआ कम टीम ना दे। 100% आपको मैच स्टार्ट होने के 10-15 मिनट पहले टीम मिल जाती है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लिंक काम ना करे तो आपके पास हमारा चैनल दिख जाएगा, इसका नाम, इस नाम को आप सर्च कर लेना, ठीक है। अब हम प्लेइंग 11 देखते हैं कि यार कल के मैच में हमको कौन सी प्लेइंग 11 दोनों टीमों की साइड से देखने को मिल सकती है। सबसे पहले राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में यार आपको यशस्वी जायसवाल, जोस बटल, संजू सैमसन, देवदत्त पाड़ीकल, रियान पराग, सिमरन हेटमाय, रविंद्र चंद्र अश्विन, जेसन होल्डर, ट्रेंट बोल्ट, यजुवेंद्र चहल, कुलदीप सेन कल खेलते हुए देखने को मिल जाएंगे। दिल्ली की बात करें तो डेविड वार्नर, पृथ्वी शो, मिचेल मार्स और सरफराज खान, रिली रोसो, अभिषेक पोरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, एनरिच नोर्टे और मुकेश कुमार, खलील अहमद आपको कल के मैच में खेलते हुए दिख जाएंगे। दोस्तों चलिए अब कुछ प्रिडिक्शन के बारे में बात करते हैं कि यार हमारा मानना क्या है कल के मैच के बारे में, कि यार कौन सा बैट्समैन सबसे ज्यादा रन बनाएगा, कौन सा बॉलर सबसे ज्यादा रन बनाएगा। देखिए सिंपल सी बात है यार, बैट्समैन तो कल के बहुत सारे हैं लेकिन मुझे लगता है कि कल के मैच में आपको वार्नर कुछ करते हुए दिख सकता है भाई, ठीक है। उसके अलावा एक और लग रहा है, वो लग रहा है भाई सैमसन या वार्नर, दोनों में से कोई अच्छा खासा स्कोर करते हुए दिख सकता है। और देखो भाई पृथ्वी शो तो तबाही मचाता है, पृथ्वी शो कर जाए तो फिर आप मेरे को कुछ मत कहना क्योंकि मैं तो पृथ्वी शो को कैप्टन भी बनाऊंगा ग्रैंड लीग में, ओके। लेकिन खास आजकल हमने इसी को रखा है। बेस्ट बॉलर्स की बात करें तो भाई बेस्ट बॉलर हम किसको रख लें पहले आप बताइए। तो दोस्तों बेस्ट बॉलर्स की बात करें तो आपको चहल अच्छा करते हुए कल दिख सकता है और एक और है कुलदीप यादव। हालांकि अभी जो इस टीम में आपको बनाकर दूंगा उसमें कुलदीप यादव नहीं है लेकिन कॉम्बिनेशन आपको बनाने होंगे। एक टीम के साथ में ग्रैंड लीग में नहीं जाता, मिनिमम हमारे पास 3 टीम होनी चाहिए। टॉस की बात करें तो भाई टॉस तो कुछ भी हो सकता है, तो यहां पर मैं राजस्थान लिख देता हूं और मैच का कल क्लियर है भाई राजस्थान, 99.99% मैच कल का राजस्थान जीतने वाली है, ठीक है। तो ये हमारे प्रिडिक्शन हो चुके हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेड टू हेड की टीम देखते हैं कि हेड टू हेड की टीम हमने किस तरह की बनाई है, उसके बाद ग्रैंड लीग की टीम के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों हेड टू हेड की टीम में मैंने रखा है जोस बटलर को, सैमसन को रखा है विकेट कीपरिंग में, बैटर में रखा है डेविड वार्नर, पृथ्वी शो और यशस्वी जायसवाल को, ऑलराउंडर मिचेल मार्स को रखा है, होल्डर को रखा है, अक्षर पटेल को रखा है, यजुवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट और
नोरकिया को रखा है मैंने, नॉर टच को रखा है, नॉर्जे को रखा है मैंने बॉलिंग सेक्शन में। यहाँ पर आप चाहें तो एक चेंजेस और कर सकते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में आपको एक प्लेयर और देखने को मिल जाएगा और उसका नाम हो जाता है अश्विन। ठीक है, तो आप अश्विन वो फिर आपको एडजस्ट करना होगा कि आपको किसको हटाना है आपके बिलीव के ऊपर, लेकिन मेरे हिसाब से एक हेड टू हेड की हमारी परफेक्ट टीम हो सकती है। बाकी फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। चलिए अब बात करते हैं ग्रैंड लीग की टीम की। तो दोस्तों ये है ग्रैंड लीग की टीम। सबसे पहले बात करते हैं कि हमने कौन कौन को रखा है विकेट कीपरिंग सेक्शन में। हमने रखा है सैमसंग को रखा है और एस खान को रखा है, यानी शाहरुख खान को रखा है। हमने यहाँ पर किसको मिस कर दिया दोस्तों, यहाँ पर हमने मिस कर दिया बटलर साहब को। ठीक है, और बात करते हैं बैटिंग, बैटिंग में हमने रोसो को रखा है, पृथ्वी शो को रखा है, पाड़ीकल को रखा है और जयसवाल को रखा है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या मिस कर दिया, हमने यहाँ पर मिस कर दिया वार्नर साहब को, क्योंकि यार बहुत मतलब बड़ा रिस्क है। ऑलराउंडर रखा है हमने मिचेल मार्श को, होल्डर को रखा है। हमने यहाँ पर किसको मिस कर दिया भाई, अश्विन को मिस कर दिया और अक्षर पटेल को मिस कर दिया मैक्स ने। ठीक है, बैटिंग में रखा है ट्रेंट बोल्ट को, खलील अहमद को और नॉर्जे को, इनको हमने रखा है। तो यहाँ पर तो हमने काफी सारे मिस करके रखे हैं। चेहर भी कल के मैच में काफी अच्छा कर सकता है, कुलदीप भी अच्छा कर सकता है। तो अब देखते हैं कि आप क्या कर सकते हो। देखो, एक तो आपको ए टीम रखनी है, कौन सी वाली, ए वाली जो मैंने आपके लिए बनाई है, ये सेम टीम आपको रखना है। मेरे हिसाब से कल के ग्रैंड लीग के लिए एक बेस्ट टीम हो सकती है। इसके साथ साथ आपको कॉम्बिनेशन बना के क्या रखना है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पहला कॉम्बिनेशन तो आपका यही हो सकता है कि आप चाहें तो आप सैमसंग को हटाइए और बटलर को इन कीजिए। ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है। आपको और रिस्क लेना है, पृथ्वी शो को भी हटाइए और बार्नर को इन कीजिए। ठीक है, अभी हमने किया है कि बटलर को हटाया है और पृथ्वी शो को हटाया है, उसके अगर हम सैमसंग को रखा है, पृथ्वी शो को रखा है, आप चाहें तो इन दोनों को लीजिए, इन दोनों को हटा दीजिए, पहला तो आपका कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा। दूसरा कॉम्बिनेशन में आप क्या कर सकते हो, मिचेल मार्श को ड्रॉप कीजिए और जेसन होल्डर को ड्रॉप कीजिए। इसमें आपको अश्विन को, देखो अश्विन भी कल के मैच में कुछ कर सकता है बिकॉज स्पिनर है और स्पिनर को कल के मैच में थोड़ी सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, आप चाहें तो इन दोनों को ड्रॉप करके अक्षर पटेल को रख सकते हैं, एक दूसरा कॉम्बिनेशन आपका ये हो सकता है। तीसरे कॉम्बिनेशन में आप चाहें तो इन दोनों को हटाकर खलील अहमद को, देखो ट्रेंट बोल्ट को कल के मैच मत हटाना, और खलील अहमद और नॉर्जी को हटाकर आप चेयर और कुलदीप यादव को कल के मैच में ट्राई कर सकते हैं, आपका थर्ड कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो पहला कॉम्बिनेशन तो ये मैंने आपको बोलिए बनाकर दे दिया है। दूसरे कॉम्बिनेशन में आपको सैमसंग पृथ्वी शो को हटाकर वार्नर और बटलर को इन करना है। ठीक है, थर्ड कॉम्बिनेशन में आपको जिन दोनों को हटाकर अश्विन को और अक्षर पटेल को रख लेना है। फोर्थ कॉम्बिनेशन में आपको खलील अहमद और नॉर्जी को हटाकर चेयर और कुलदीप यादव को रख देना है। तो हमने 1, 2, 3 और 4 पूरे चार कॉम्बिनेशन आपके लिए बनाकर दी है दोस्तों। एक ग्रैंड लीग की टीम है और दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम में आपको 49 रुपए की चिंता ज्यादा नहीं करनी होती। अगर आपको 49 रुपए की चिंता करनी है तो आप ग्रैंड लीग में 49 रुपए वाली में आप हेड टू हेड वाली ए टीम लगा दो, आपके पैसे नहीं जा सकते, चले जाए तो आप मेरे को गाली देके जाना, जो आप कहें वो मैं कर दूंगा। अगर आपके पैसे चले जाए तो आपके पैसे जा ही नहीं सकते। अगर ग्रैंड लीग वाली ये जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया उन कॉम्बिनेशन के साथ जाओगे तो हो सकता है आपका पैसा बाई चांस, अभी तक तो नहीं गया, 10 मैच हो चुके हैं, बाई चांस पैसा किसी में चला भी जाए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करो यार, आप लोग लाइक नहीं करते, सबसे पहली समस्या तो भाई यही हो जाती है। तो चलिए अब मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाय, जय हिंद, वंदे मातरम और थैंक यू सो मच वेरी मच।